से आप अपरिचित नहीं हैं और मैं माँ सरस्वती से गुजारिश करूँगा, अपने दर्शक भाइयों से गुजारिश करूँगा कि आप लोगों का आशीर्वाद दुआ मिले ताकि ये फिल्म सफलता की ओर जाए। ये हमारे भाई साहिल खान जी बना रहे हैं, साहिल जी के साथ हमने बहुत काम किया है और एक टेक्निकल आदमी होते हुए एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं साहिल जी और एक उनके दोस्त रतनजीत जी, माफ़ कीजिएगा मैं रतनजीत जी का निक नेम जानता हूँ, ये नाम मैं भूल गया था। तो दो आदमी प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक टेक्निकल आदमी का प्रोड्यूस करना बहुत बड़ी बात होती है, तो ये तो एकदम तय है कि फिल्म का टेक्निकल पक्ष बहुत ही मजबूत रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। बाकी जहाँ तक रही म्यूज़िक की बात, तो प्रोड्यूसर खुद एक बहुत अच्छे रिकॉर्डिस्ट हैं, बहुत अच्छा मिक्सिंग करते हैं, तो म्यूज़िक का बहुत अच्छा नॉलेज है तो हम लोगों से काम निकालने तो उनको बहुत अच्छा आएगा, तो अपनी मेहनत लगन पूरा 100% हम लोग देंगे। मेरा म्यूज़िक है इसमें और एक दूसरे प्रोजेक्ट, दूसरे फिल्म का भी मुहूर्त कर रहे हैं, तो उसमें घुंगरू जी हमारे भाई हैं, उनका म्यूज़िक है। बाकी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी कहानी है, कोशिश रहेगा कि आप लोगों को हम खुश कर सकें, अच्छा म्यूज़िक बना सकें। अभी सारा कुछ प्रोसेस में है और हम लोग का वर्क काम चल रहा है, सिचुएशन भी हम लोग के सामने आने वाले हैं, सब आ जाएगा, जैसे तैयारी करेंगे तैसे हम लोग बताते रहेंगे। और गुरु जी सब पहले तो एक नई फिल्म के लिए बधाई आपको, और सबसे बड़ी बात है कि नए टेक्नीशियन जो है वो नई पारी खेल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुभकामना देना चाहेंगे हमारे भाई प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, रंजीत जी शुभम सिंह और साहिल खान, तो उनको दिल से बधाई है, बहुत शुभकामना है कि जिस जुनून के साथ इस फिल्म का मुहूर्त किया जा रहा है, अनाउंसमेंट है, अच्छे तरीके से पूरा किया हमारी शुभकामना। ऑब्वियसली वो एक तो वो चाहेंगे कि बाकी फिल्मों से तरह इसका भी, इस फिल्म का भी म्यूजिक बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा हिट हो, और हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि टाइटल बहुत ही डिफरेंट है, बहुत खूबसूरत टाइटल है, धाकर सिंह और राधा का संगम, दो फिल्म का आज अनाउंसमेंट है, तो टाइटल डिफरेंट है, कहानी डिफरेंट होगी और स्वाभाविक है कि इसका म्यूजिक भी बहुत डिफरेंट होगा। हम लोग कोशिश करेंगे अच्छा बनाने की ताकि आप लोगों तक हमारा संगीत, फिल्म मेकिंग सब कुछ पहुँच पाए, और जैसे हमेशा से आप लोग आशीर्वाद देते हैं, इस बार भी आप लोगों से आशीर्वाद की कामना करेंगे, हमारे तरफ सक्सेस की कामना करेंगे। इसे दोनों फिल्मों का नाम जो है पूरा मारधार से भरपूर लग रहा है, रावड़ी धाकर सिंह जितना रोमांटिक लग रहा है, राधा का संगम बड़ा प्यार रोमांटिक सा नाम है, राधा का संगम उसी टाइटल से ये टाइटल भी कनेक्टेड है एक्चुअली। जब राधा का संगम एक दूसरे से मिलने की बात होगी तो उसमें धाकर सिंह तो बीच में आएंगे, क्योंकि जब तक फाइट नहीं होगा तब तक राधा का संगम होगा नहीं, इसलिए
दोनों ही टाइटल एक दूसरे से कनेक्टेड है और दोनों ही बहुत खूबसूरत टाइटल है। कहानी जैसे सामने आएगी ठीक उसी तरीके से हम लोग अपना मूड म्यूजिक में लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छा म्यूजिक बनाए। आकर सिंह और राधा का संगम, ऐसे तो फिल्मों का भोजपुरी फिल्मों का दौर काफ़ी जोरों शोरों पे है, काफ़ी फिल्में बन रही है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी बन रही है जो बनाने वाले मतलब कुछ लोग हैं जैसे म्यूजिक से जुड़े हुए हैं साहिल जी, और उन्होंने ये कदम बढ़ाया है तो हमारे मतलब घुमा फिरा कर भोजपुरी का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। और दर्शकों का जिस तरह से आज डिजिटल के ज़माने में, जैसे अभी कुछ देर पहले अभी मधुकर जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आज अब ज़माना हॉल से सीधा डिजिटल पे आ गया है, तो मैंने भी मजाक में कहा कि जितने भी म्यूजिक जैसे हमारे ये श्याम जाधी जी, आजाद जी, सब कोई म्यूजिक कंपनी खोल के बैठे हैं, मतलब मजाक में ये बात में कह रहा हूँ, लेकिन उसी तरह प्रोडक्शन हाउस में लोग भी जा रहे हैं, तो अगले बार शायद अगली फिल्म शायद श्याम जी बनाए, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फिल्म का मुहूर्त है और आगे जिस हिसाब से नाम है उस हिसाब से एक्शन फिल्म है और राधा का संगम कहीं ना कहीं भोजपुरी टच कर रही है, भोजपुरी माटी से टच कर रही है, फिल्म की कहानी बहुत अच्छी होगी। सबसे पहले नमस्कार, मैं श्याम देहाती आप सबका बहुत शुक्र प्रणाम करता हूँ। और सबसे पहले आप लोग जो लोग देख रहे हैं मुझे, मेरा जो यूट्यूब चैनल है देहाती इंटरटेनमेंट और एक देहाती धुन है, उसको सब्सक्राइब करें और उसमें अच्छे से अच्छे से गाने आपको देखने को मिलेंगे। और आज की जो बात है तो आज दो फिल्मों का मुहूर्त है, एक का नाम है राधा का संगम और दूसरा रावड़ी राठौर, सॉरी। और हमारे एक दोस्त साहिल खान जी हैं, इनके प्रोड्यूसर, और हमारे एक का संगीतकार मधुकर आनंद जी हैं, दूसरे का गुंडू जी हैं, तो बहुत अच्छा है, अच्छा लगा आके यहाँ पे। याद है दो फिल्मों का मुहूर्त है और हम लोग आगे काम करेंगे सब लोग मिलकर। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना दोनों फिल्मों के लिए। और ये ऑलरेडी एक फिल्म बना चुके हैं, प्रोड्यूस किए हैं और वो आई थिंक रिलीज पर है फिल्म तोड़ दे दुश्मन की नली। हाँ, तोड़ दे दुश्मन की नली। तो अभी और ये दो फिल्में शुरू की हैं, ये बहुत खुशी की बात है कि प्रोड्यूसर कोई भी जब इंडस्ट्री में आते हैं और एक के बाद जब रिपीट करते हैं फिल्म, एज प्रोड्यूसर जब दूसरी फिल्म बनाते हैं, तो ये अच्छा लगता है कि एक आदमी ने उसका अनुभव अच्छा रहा होगा, लोग उसको अच्छे मिले होंगे, टीम अच्छी मिली होगी, तो उस वजह से फिर वो हिम्मत बांध पाता है कि एक और फिल्म मैं बनाऊँगा। मेरी पूरी शुभकामना है, पूरी विशेष है कि रतनजीत को बहुत सक्सेस मिले। ये तो दूसरी और तीसरी फिल्म में ईश्वर करे इसके आगे बहुत सारे जीरो लगे। और साहिल जुड़े हुए हैं, साहिल बहुत वर्षों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी फिल्मों के रिकॉर्डिस्ट रहे हैं, रिकॉर्डिंग किए हैं, साउंड इंजीनियर रहे हैं फिल्मों के, तो ये सब हैं। लाल बाबू जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, निर्देशक, उनके हाथ में कमांड है और दोनों बहुत बढ़िया म्यूजिक डायरेक्टर हैं, मधुकर जी और गुरु जी। ये लोगों ने जब भी किसी फिल्म का संगीत दिया है तो संगीत अपने आप में सर चढ़ के बोलता रहा है, तो टीम बहुत अच्छी है। अभी तक मुझे लगता है मेन लीड का गठन नहीं हुआ है, लेकिन जब इनकी शुरुआत इस तरह से हुई है तो जो बाकी कास्ट और क्रू जो होगा बहुत खूबसूरत होगा, बहुत अच्छा होगा। और बस ईश्वर करे कि सक्सेस मिले, फिल्म बने, अच्छा बन के आए, यही मेरी शुभकामना। अभी मैंने एक हाल ही में एक मूवी की है तोड़ दे दुश्मन की नली राम अली करके, जो ट्रेलर लॉन्च हो चुका है वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से और जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये दो मूवी है, एक राधा का संगम और रावड़ी धाकड़ सिंह, जिसको मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ और इसे डायरेक्ट कर रहे हैं लाल बाबू पंडित जी, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक मूवी बनाई थी जिला चंपारण करके, और इसमें म्यूज़िक है घुंगरू जी का और मधुकर जी का, उनके काम के बारे में आप लोग जानते ही हैं कितने अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। और साहिल खान इसमें साथ में हमारे प्रोड्यूसर हैं, जो इसके पहले कई सालों से गीत म्यूज़िक इंजीनियर रह चुके हैं, संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और बस यही है, कहानी बहुत ही बेहतरीन मिलेगी इसमें, लव स्टोरी, तड़का, एक्शन, सब चीज़ मिलेगा आपको देखने को। और बस आप लोग का साथ चाहिए और शुभकामनाएँ चाहिए, लोगों का विशेष चाहिए, इसके लिए मैं आज
ये छोटा सा अनाउंसमेंट रखा हूँ, बाकी देखते हैं कैसे होता है। अब वही है कि जब ये साथ में है तो बस आशीर्वाद ही चाहिए, जो इन लोग का आशीर्वाद है। तो आज ये लोग एक शुरुआत देने वाले भोजपुरी इंडस्ट्री के शुरुआती टाइम से जुड़े हुए हैं, तो इन लोगों से अच्छा एक्सपीरियंस और ज्ञान कोई नहीं दे सकता हमें, तो इनका हाथ हमारे सर पर होना चाहिए बस। तो बाकी तो हम सब करते ही हैं साथ में काम। रावड़ी धाकड़ है और इसीलिए नाम भी रखा है रावड़ी धाकड़। ये देखने में जितना रतनजीत स्वीट लग रहे हैं और शांत लग रहे हैं, उतना ही ये धाकड़ है। और ये सब एक डायनेमिक प्रोड्यूसर, और इन लोगों का साथ और आशीर्वाद के बिना कहाँ आप लोग के सर होना चाहिए जरूर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। तो सबसे पहले धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे डायरेक्टर शुभम जी का, और इसमें जो है ये प्रोड्यूसर हैं, और दूसरा है साहिल भाई, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। इन दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। संजय जी, आप महानंद जी क्या कहना चाहेंगे? संजय जी भाई, मैं भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा शुभम भाई को। बहुत ही एनर्जेटिक और डायनेमिक पर्सन है। मैंने एक प्रोजेक्ट इनके साथ किया है, इनके प्रोडक्शन में, इनके डायरेक्शन में, तो मुझे उम्मीद है कि इस फिल्म को भी वो अपने अंजाम तक लेके जाएंगे, और पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं है। जैसे प्रोड्यूसर साहब बैठे हुए बगल में, इनकी जो भी ट्रेलर लॉन्च हुआ था, आपको अच्छा रिस्पांस आ रहा है? दोनों लोग हैं और आप लोग हैं, उनका है भी अच्छा खासा, सबको मनोज जी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर प्रोड्यूसर बारे में? बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा काम करने का जो जिम्मा उठाया था शुभम भाई ने, उसको बखूबी उन्होंने बड़ी ईमानदारी से निभाया है। और उसमें अपने राज भाई, निसार भाई और पूरी टीम ने, हमने मेरे हिस्से में जो था उसको मैंने अच्छे से किया है। बाकी सब भाइयों ने जो जो बीड़ा उठाया था पूरी ईमानदारी से किया है। उम्मीद है कि वो एंटरटेन करेगी पूरी ऑडियंस को। संजय जी, आपके बारे में सुना जाता है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं थिएटर में। अब हर जगह मत गवाइए। अभी अभी इस फिल्म के उस पर आए हैं, तो जब कंपोजिशन हो जाएगा तो मेरा वादा है कि मैं जरूर उस गाने को सुनाऊंगा। अभी हमारे पास आप एक बहुत फेवरेट गाना है, जो कि आप हमेशा गुनगुनाते हैं, प्लीज मैं भी लाइन सुनाइए। मैं खुद ही भूल गया हूँ मेरा फेवरेट गाना। तब तक आप याद करिए राज भाई सुन लेते हैं। इनका एक अवधि पचरा बहुत हिट हुआ है अवधि भाषा में, जो कि विराह के बाद जो है हमने गाना गाया था। उस गाने में बहुत पॉजिटिव थी काफी, मतलब बड़ा मुश्किल से गाना हमारे पास आया हुआ था, और गाना लिखा था हमारे बीच में कवि जी बैठे हैं, तो कवि जी गाना लिख के हमको दिया था, और बहुत अच्छा बजा हुआ है, काफी अच्छा हिट हुआ है, वो बहुत अच्छा बज रहा है आज भी। तो एक लाइन सुनाना चाहूंगा। दर्शन दे दाहे मायारिया धीरे धीरे, दर्शन दे दाहे मायारिया धीरे धीरे, सरस्वती मोर मैया तू ही बाड़ू मोर खेवैया नैया खेवा मोर मायारिया धीरे धीरे, दर्शन दे दाहे मायारिया धीरे धीरे। थैंक यू सो मच। बस मैं ये कहूँगा कि मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है, और मेरे साथ साथ ये बाहर भी बहुत काम कर रहे हैं, और शुभकामनाएं हैं। मैंने भी एक प्रोजेक्ट अभी हाल में ही ख़त्म किया, और एक और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इनके साथ, बहुत ही जल्द आप लोग को देखने को मिलेगा। और बहुत एनर्जेटिक बंदे हैं, बहुत एनर्जेटिक बंदे हैं, गाने भी अच्छे गाते हैं ये। बस मेरी शुभकामनाएँ हैं कि एक के बाद एक करते जाएँ और आगे बढ़ते जाएँ। आपके साथ काम करते हैं जी। थैंक यू, लव यू, आप सबका प्यार, आशीर्वाद।